हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के आपके साथ लॉयल है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड है, जो एनर्जी आपसे अटैच है, क्या वो पर्सन आपके साथ उतना ही लॉयल ऑनेस्ट है जितने आप हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी आप रखें, अदरवाइज बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। किसी और से रेजोनेट कर जाएगी। और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं? जो पर्सन आपके साथ है, क्या वो पर्सन आपके साथ लॉयल है? आपके पार्टनर आपको नहीं पता, आप थोड़े से मतलब कि कंफ्यूज नर्वस एनर्जी में रहते हैं। आप इस पर्सन की लॉयलिटी पे आपको डाउट है, ठीक है। आपको नहीं लगता ये पर्सन आपके साथ उतना ही लॉयल, उतना ही ऑनेस्ट है जितने आप रहते हैं, क्योंकि आप नर्वस रहते हैं। इस पर्सन के एक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं, शायद वर्ड्स कुछ और होते हैं और एक्शंस कुछ और होते हैं, ठीक है। आप नर्वस रहते हैं इस पर्सन के एक्शंस की वजह से। आपको समझ नहीं आता कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है या नहीं है, क्योंकि कुछ कहता कुछ है ये पर्सन, या तो एक्शंस कुछ और लेता है। इस पर्सन का कहना कुछ और है और एक्शन कुछ और है। शायद ये पर्सन इमोशनली डिटैचमेंट पे आपको छोड़कर चला जा चुका है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपकी लाइफ में। मतलब कि एक इमोशनली जो जितनी आपको नीड है इस पर्सन की, वो नीड ये पर्सन पूरी नहीं करता। वो आपको मतलब कि वो इमोशनली आपको बैलेंस नहीं मिलता। जैसे कि सृष्टि का स्पार्क खत्म हो चुका है, इस पर्सन का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है आपको लगता है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट एंड हो चुका है इस रिलेशनशिप में। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर के साथ लॉयल हैं? जितने मेरे व्यूअर लॉयल हैं अपने पार्टनर के साथ, क्या उतने ही आपके पर्सन लॉयल हैं? मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आपको, मतलब कि क्लैरिटी के लिए आप काफ़ी एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन बेहद मेंटली मैनिपुलेट करता है, जैसे कि आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखता है, या हमेशा कभी कुछ, मतलब कि आप समझ नहीं पाते ये पर्सन चाहता क्या है। किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप इस रिश्ते का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं अपने साथ। ये पर्सन एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन का डेट नंबर 1 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, ठीक है, 19 भी हो सकता है। यहाँ पर जो 1 नंबर है वो इम्पॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। ये पर्सन आपको, आप इस रिश्ते में इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, किसी तरीके का ट्रुथ चाह रहे हैं, किसी तरीके का आप इससे आंसर चाह रहे हैं, एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देखना चाहते हैं। अब आप इस कनेक्शन में बिला वजह का स्ट्रेस नहीं उठाना चाहते हैं, बिला वजह का बर्डन। अगर ये कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्टेड है तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप जितना आपने इस रिश्ते को चला लिया, इससे ज़्यादा आप बर्डन और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते इस रिश्ते का। अब आपके माइंड में यह है कि अब आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा जैसे माइंड गेम्स खेलना आपके साथ किसी तरीके, ये मेल या फीमेल, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि कहना कुछ और एक्शंस कुछ और लेना। और जब आप इससे थोड़ी सी मतलब कि आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, एक ये पर्सन एक डिफरेंसेस मतलब कि एक डिस्टेंस बढ़ा लेता है। ये मेल या फीमेल आपके साथ एक डिस्टेंस पर रहते हैं, अपने गार्ड्स अप कर लेता है। ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैं इतना बता दूं, अभी लॉयल है या नहीं है ये बात तो मुझे अभी आगे चल के पता चलेगी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट में नहीं है। जितनी आपकी अटैचमेंट है आप इस पर्सन के साथ, ये पर्सन उतना अटैच नहीं है, ठीक है। ये बस ऊपरी तौर का, या तो ये आपके साथ कनेक्शन है, अगर ये पर्सन कुछ कहता भी, आपकी मेल या फीमेल है, या अगर आपसे कुछ कह भी रहे, तो एक ऊपरी तौर पर है। इससे कोई एक डीप डाउन कोई कनेक्शन, इससे कोई डीप डाउन का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि डीप डाउन अटैचमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहा है ये एक सरफेस पे है। अगर कम्युनिकेशन में ये पर्सन कुछ आपसे कहता है तो एक ये ऊपरी तौर की एनर्जी है, ठीक है। कुछ इसके अंदर ट्रुथ नहीं है, इसके अंदर कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के एक्शन बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, डिफेंसिव लगते हैं आपको, बहुत ऐसा लगता है ये पर्सन जैसे जब आपको नीड होती है, आप समझना आप चाहते हैं कि आपको समझे, ये पर्सन खुद को अपने गार्ड्स अप रखता है, या तो अपने गार्ड्स अप कर लेता है ये पर्सन, ठीक है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं। आप इस पर्सन से आप किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, आप इससे ज़्यादा इस कहानी को और कन्फ्यूजन और इल्यूजन में नहीं बढ़ाना चाहते। आप वेट कर रहे हैं
लास्ट रिलेशनशिप में आपका ड्रीम था 10 of Cups का, आपने बहुत एफर्ट करी है, बहुत ज़्यादा रूट्स पे काम करा है, इस कनेक्शन पे वर्क करा है, ठीक है, इसका आप रिजल्ट 10 of Cups में देखना चाहते थे, इस कनेक्शन का रिजल्ट आप देखना चाहते थे 10 of Cups में, लेकिन आपका ड्रीम 10 of Cups था, आप अब तक सिर्फ स्ट्रेस उठा रहे हैं, आप अब तक सिर्फ एक वन साइडेड कनेक्शन या वन साइडेड एफर्ट कर रहे हैं, आप मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक वन साइडेड हैं, आप एक मतलब कि आप एक ऐसे इस पूरे रिश्ते में आप दो पर्सन का रिश्ता होता है, सारा बर्डन आपके ऊपर है इस रिलेशनशिप का, इसको बचाना है या इसको इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ की नीड होती है, जो भी इस रिलेशनशिप को इस बॉन्ड को बनाए रखने में जो भी इमोशंस की ज़रूरत है, जो भी कनेक्शन को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, वो सब आप कर रहे हैं। इस चीज़ का, इस रिश्ते का स्ट्रेस, इस रिश्ते का फ्यूचर सिर्फ आपने सोचा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन की सोच नहीं है, आपसे फेट ही करते जाते हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया है कि वो कभी आपको मिलेगा, आपका रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब कि आप एक वेट ही कर रहे हैं, आपने बहुत रूट्स से, आप जब ये रिश्ता शुरू हुआ है जब से आप इस रिश्ते की रूट्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सपोर्टिव पर्सन की तरह बने हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बने हुए हैं, एक प्रोटेक्टिव पर्सन, आप मेल या फीमेल है, आपने बहुत प्रोटेक्ट करा है इस कनेक्शन को स्टार्टिंग से लेकर, और ये टाइम आ चुका है आपका ड्रीम यहाँ पर, क्योंकि 10 of Cups था, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ इस ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते थे, एक प्रैक्टिकल वे में लाना चाहते थे, लेकिन आप एक सिर्फ स्ट्रेस ही उठाए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है, कोई आउटकम आ नहीं रहा है, कोई रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है, बस आपके दिल दिमाग पर सिर्फ एक स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है सिर्फ आपको नीड है इस रिश्ते की, सिर्फ आप चला आपको चाहिए ये रिश्ता, आपको चाहिए इधर से इमोशंस, आपको चाहिए इस पर्सन से अटेंशन, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही ज़रूरत है और आप इस चीज़ को, इस रिश्ते को ढो रहे हैं, ठीक है, उठा के लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज़ सामने वाले में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाला बिल्कुल ही जैसे एक आपको नहीं समझ में आ रहा सामने वाले का, ठीक है, ये पर्सन मैनिपुलेटिव पर्सन है, माइंड गेम्स खेलने वाला, ये जानता है कि आप यहाँ पर सब इनिशिएट लेंगे, आप यहाँ पर इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरीके का एक्ट करेंगे, ठीक है, एटेड की एनर्जी, आप किसी कार्मिक या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इस साइकिल में आप स्टक हो चुके हैं, आप इससे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते में काम कर करके आपको कुछ मिल नहीं रहा, मतलब कि आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, ठीक है, क्योंकि आप इस रिश्ते से जो इस रिश्ते पर जो एफर्ट करा, जो आपने बहुत एक हार्डवर्क करा अब तक, कोई रिजल्ट नहीं है, और आप डिटैच भी नहीं हो पा रहे इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, चाहकर भी आप इस रिश्ते से डिटैच नहीं हो पा रहे, चाहकर भी आप इस पर्सन से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, आप चाहकर भी इस रिश्ते की एंडिंग नहीं कर पा रहे, मतलब एक स्लीपलेस नाइट है, आप डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, आपके अंदर एक स्ट्रेस है, आप नहीं जानते आप क्या करें, आप कहाँ जाएं, आप करें क्या, ठीक है, वेट, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं इस वक्त, ये पर्सन आपको कम्प्लीटली माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करता है, जो इसकी नीड होती है, जो इसकी ज़रूरत होती है, ये पर्सन वो आपसे अपनी ज़रूरियात, अपनी इस पर्सन को जो चीज़ चाहिए वो आपसे पूरी करवाता है, ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन को ना नहीं कहें, आप इस पर्सन के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, ये आपको कम्प्लीटली जाने भी नहीं देता, ये पर्सन मेल या फीमेल ही आपको अपनी लाइफ में कम्प्लीटली आने भी नहीं देता, ठीक है, आप एक इस स्टेज पर खड़े हुए हैं, आप चाहकर भी अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहे, आप समझ रहे हैं ये टॉक्सिक है, आप समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन आपको अब आपको पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, किसी तरीके का मेंटली स्ट्रेस है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन आपको नज़र नहीं आता आप क्या करें, इस रिश्ते को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो अटैचमेंट आपकी है सामने वाले इंसान की नहीं है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है या प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, उस पर्सन को जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, जो एनर्जी आपसे अटैच है, ये पर्सन वो एनर्जी आपको लेकर क्या फील करती है, ओके, डेथ, ये पर्सन आपको मैरिज के लिए एक अच्छा पर्सन समझता है, ठीक है, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, आप एक मैरिज मटेरियल हैं या आप एक बहुत स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं,
स्टेबल फैमिली, मतलब कि मतलब वेल्दी फैमिली हो सकता है कहीं आप, क्योंकि सिंगल इंडिपेंडेंट ये पर्सन आपको मतलब कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन जान, ये पर्सन फीमेल है या मेल है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप काफ़ी अपनी लाइफ को बैलेंस और अप टू डेट एक ग्रोथ वाली एनर्जी में रखते हैं, ठीक है, या आपकी एक फाइनेंशियली जो कंडीशन है इस पर्सन से ज़्यादा बेहतर है, एक स्टेबिलिटी है आपके पास, एक अच्छा शेल्टर है आपके पास, एक अच्छा पीस है आपके पास, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन एक डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन मतलब के एक डायलेमा वाली एनर्जी है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, ये आपको एक अच्छी फैमिली से एक अच्छे पर्सन की तरह ये पर्सन आपको देखता है, ठीक है, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड पर्सन, बस। ओके, और क्या ये पर्सन जो एनर्जी आपसे अटैच है ये आपके लिए क्या फील करते हैं? ओके, ये पर्सन जानता है, ठीक है, या जानती है, जो भी आपकी मेल है फीमेल है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, अपनी लाइफ को अप टू डेट रखना, अपने आप को अबंडेंट एक एनर्जी में दिखाना, ये बाहरी दुनिया में अपने आप को एक सिंगल शो करना, ठीक है, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर एक सिंगल शो करता है, ठीक है, ये मेल या फीमेल, जैसे कि ये सिंगल है और ये रेडी टू मिंगल है, मतलब कि ये रेडी है अपनी लाइफ में अपने पर्सन को चूज़ करने के लिए, बाहर ये शो करता है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जानता है आप इधर इस पर्सन को एक फ्यूचर स्पाउस एज अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप। आपके जो आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, या तो आपकी ये पर्सन आपके लिए एक पेजेस की एनर्जी, ठीक है, एक पेजेस की एनर्जी, मैंने कहा ना गुड फ्रेंड गुड पर्सन, इस तरीके से देखना आपके साथ आपको मतलब के आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपके लिए कोई बुराई नहीं है दिल में, लेकिन जो आप फील करते हैं ना वो वाली फीलिंग्स नहीं है, इस कनेक्शन से बाहर ये पर्सन अपने आप को सिंगल शो करता है, मेल है या फीमेल है, मतलब कि अपने आप को सिंगल शो करना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना, और एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, ये इस पर्सन के माइंड में सेट है ये बात, तभी आपको ईजीली ये पर्सन इस सिचुएशन से जाने नहीं दे रहा। आप अपने पार्टनर का जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं है, ये पर्सन आपके साथ उतनी अटैचमेंट पे नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, या तो आप जितना अटैच हैं, आप जैसा लव, आप जैसा सोलमेट, आप एक सोलमेट लव समझते हैं, तो ये पर्सन एक सोलमेट लव वाली एनर्जी में नहीं है, ये आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गुड ऑप्शन, इस तरीके से देखता है, अदरवाइज कोई खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब के अपने आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक रखता है आपकी तरफ, इमोशनली ओपन अप नहीं होता, मेल या फीमेल ये पर्सन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर्मिट वाली एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एक हर्मिट वाली एनर्जी, आप इस कनेक्शन के बारे में, सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप यहाँ पर चॉइसेस को ब्लॉक करते हैं या चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, वो आपके अंदर, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके साथ आपकी मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप इस पर्सन को मतलब कि आप इसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आप इसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक मतलब कि आप दूसरे ऑप्शन से थोड़ा सा आप एक गार्ड्स आप रखते हैं, आप अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ वाली एनर्जी नहीं है, आप किसी को भी अलाउ कर रहे हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन से, आप खुद को, आप इमोशनली डिपेंड हैं इस पर्सन पे, ठीक है, इमोशनली आप डिपेंडेंट हैं, इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो एक रियलिटी है ना, मैं आपको वो बताऊँ, इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, कोई अच्छा पर्सन मिला तो ये उस पर स्विच कर जाएगा, ठीक है, आपको छोड़ देगा, और अगर आप यहाँ पर कोई अच्छा नहीं मिला तो आप सही हैं, मतलब कि क्लोजर नहीं दे रहा, ये फीमेल है या मेल है, आपको एक क्लोजर नहीं है, ठीक है, सिचुएशन में क्लोजर नहीं है, कभी इंटरेस्ट शो करना, कभी इंटरेस्ट हटा लेना,
मिक्स सिग्नल्स शो करना, और इन सब चीज़ों की वजह क्या है, एक अपनी लाइफ में एक बेहतरीन पार्टनर, एक एक मतलब के जो एक कंपैटिबल पर्सन, अब वो आपसे बेहतर मिल गया तो वो भी हो सकता है और आप भी हो सकते हैं, माइंड सेट में ये है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन से जब बाहर निकल के ये पर्सन अपने आप को एक सिंगल शो कर रहा है, तो उसका मतलब समझ जाए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बाहर एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर एक्सप्लोर करना, अगर अपने आप को सिंगल शो कर रहे हैं और आप ख़ुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं इस पर्सन के लिए, ब्लॉक रखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इस सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रही, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक झूठ, यहाँ पर मैनिपुलेटिव वाला झूठ है। इस पर्सन के वर्ड्स कुछ और हैं और एक्शन कुछ और हैं, ठीक है। आपके लिए शायद ये पर्सन प्रॉमिसेस कर रहा है मैरिज और कमिटमेंट के, लेकिन इसके एक्शंस में वो मैरिज और कमिटमेंट आपको नज़र नहीं आती, वो इंटरेस्ट आपको नज़र नहीं आता, वो कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। क्योंकि आप जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, किसी झूठ से मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी कोई झूठ है, आप एक ट्रुथ देखना चाह रहे हैं, कोई झूठ है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी झूठ से मैनिपुलेट हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। मैं ये नहीं देखती कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है या यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बस ये समझ में आता है जितना इंटरेस्ट आपका है, जितना सीरियस आप हैं सृष्टि को लेकर, ये पर्सन इतना सीरियस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं, लेकिन ये पर्सन एक पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहता है, मतलब कि एक पेजेस। आप यहाँ पर जितना स्टेबल और ग्राउंडेड इस सृष्टि को मैनिफेस्ट करते हैं, सामने वाला इतना मतलब कि एक यहाँ पर मतलब कि कनेक्टेड रहना, और भी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, आउटिंग करना, मतलब कि इस पर्सन को जैसे एक कब एक अपनी लाइफ में एक फेज को एंड करना पड़ेगा, एक डिसीजन मेकिंग या अपना एक माइंड बनाना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, जो आपके पर्सन बना नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन, आप डाउट करते हैं लॉयल है या नहीं, ठीक है। ये अपने ऑप्शंस क्लोज नहीं कर रहा ये पर्सन, अपने जैसे जो एक एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी या तो जो एक सिंगल दिखाने वाली एनर्जी है, उस चीज़ से ये पर्सन बाहर नहीं आ रहा। एक इनडिसाइसिवनेस, आपको इसकी लॉयलिटी पे यूं शक होता है, क्योंकि जो आप अटैचमेंट, जो कनेक्शन, मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पर्सन को कुछ अटेंशन दे रहे हैं, या तो अपना टाइम दे रहे हैं या तो अपना वक्त दे रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप 24/7 इसके लिए अवेलेबल हैं। जब आप अवेलेबल हैं तो ये पर्सन एक आपको ऑप्शन की लिस्ट में डालकर अपनी लाइफ में और एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। मेल है, फीमेल है, मैं स्पेसिफिक जेंडर नहीं, बिल्कुल यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। पर्सन जैसे कन्फ्यूज स्टेट, कन्फ्यूज रहना, मतलब कि आपके अलावा और ऑप्शन को भी जगल करना, ठीक है, आप अच्छे हैं या कोई और अच्छा है, जैसे कि मतलब कि कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करना, कोई और पर्सन अच्छा दिख गया तो एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है इस पर्सन की। और अब आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको इधर रुकना भी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, आपको इस कनेक्शन पे अपना टाइम वक्त इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने अब तक जो इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसका ही रिजल्ट नहीं मिल रहा या उसका ही आउटकम नहीं मिल रहा, तो आप क्या करें, ठीक है। आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन, ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन रखता है, विजडम रखता है, मतलब कि एक अट्रैक्शन भी है, विजडम भी है। ये जानता है अगर आपके साथ कनेक्शन बना तो आप या तो आप किसी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप एनर्जी में है, ठीक है। आपकी तरफ पैशन भी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, और आप एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशन में यह है कि आपके लिए एक पैशन भी रखता है, लेकिन एक पेजेस की एनर्जी में, जैसे एक पेज। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए एक मैरिज ऑफर हो सकता है, आपके लिए बहुत स्ट्रांग ऑफर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन मुझे एक इंटेंशन में आपको छोड़ता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक मतलब कि गुड पर्सन है, इसके साथ मैरिज और कंपैटिबिलिटी और मैरिज के लिए कमिटमेंट के लिए एक गुड पर्सन है। लेकिन आप यहाँ पर एक इस पर्सन से किसी तरीके की
क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं कि मतलब कि आपको क्लैरिटी मिले, आप यहाँ पर इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर, आप एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी पता चले कि ये पर्सन आपके साथ तो जो कह रहा है उसको बनाएगा या नहीं, या उसको निभाने के लिए तैयार है। अपनी लाइफ में आप खुद को हील कर रहे हैं, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को बैलेंस रखता है, लेकिन इस कनेक्शन में उतना ही इन्वेस्ट करता है जितना इस कनेक्शन को ज़रूरत है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना इतना मतलब कि ये पर्सन इतना टाइम इस कनेक्शन को जितना देगा उतना आप यहाँ पर एक सीरियसनेस की डिमांड करेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ पे, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा काम करता है ये पर्सन, एक अपनी ज़िंदगी में बिजी रहता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक होल्ड बैक रखना इस पर्सन का, ये पर्सन मतलब कि होल्ड बैक करके एक यिंग और यंग साइड, अपनी लाइफ बैलेंस रहती है। आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी बैलेंस है, ठीक है। ये पर्सन कुछ वक्त के लिए होल्ड पे भी चला जाता है, डिफेंसिव भी हो जाता है, ठीक है, सुनने और समझना नहीं चाहता, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, आप क्या समझाना चाहते हैं, इस रिश्ते से भागने लग जाता है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, तो इस कनेक्शन से आप फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप चाहते हैं ये पर्सन मतलब कि एक आपको ट्रुथ बताए कि ये सच में आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट या तो इस चीज़ का सोच रहा है, यहाँ पर इस कनेक्शन में इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर करके आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप सिर्फ बर्डन लेकर चल रहे हैं इस रिश्ते में, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है, जो होना चाहिए, वो एक स्पार्क वो ख़त्म हो चुका है, या वो इंटरेस्ट आपको इस पर्सन के किसी ना किसी एक्ट से समझ में आने लग गया है, ये पर्सन आपके साथ आधी अधूरी बातें कर रहा है, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। किसी तरीके के ये पर्सन आपको इस पर्सन की जैसा लगता है कि जो ये कहता है ये वो करेगा नहीं, ठीक है, किसी तरीके का डाउट आ गया है आपके माइंड में। देखिए ये पर्सन चीट तो नहीं कर रहा, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन में जब तक आपके सामने है सामने है, इस रिश्ते से जब ये एक डिटैच हो रहा है या इस रिश्ते से निकल रहा है, ये पर्सन सोचता है एक सिंगल शो करता है, ठीक है। जो ये सिंगल शो कर रहा है, जो ये आपको आपके इसके जो एक्शन इसके वर्ड्स से मैच नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपको एक एक वेट करते करते आप एक स्ट्रेस उठाते उठाते थक चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप इसकी मैनिपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे यहाँ पर, एक वेटिंग एनर्जी को, कि आप वो ड्रीम सिर्फ देखे जा रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। क्या एडवाइस है आपके लिए? गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। आप लोग को एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जितना भी जाना है लेकिन एक दूसरे को और जाने, किसी से आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। रिलीज़ योर एक्स, आपके पर्सन को या तो कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो चुका है आप दोनों के बीच, तो उस सिचुएशन को रिलीज़ कर दें, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, किसी का यहाँ पर एक्स पार्टनर है या एक्स सिचुएशन है तो उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है। या तो इस रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, आपको ऐसा लगता है अनरिक्वायर्ड लव है, मतलब कि जो आपका कनेक्शन आपकी तरफ से वो इस पर्सन की तरफ से नहीं है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, यहाँ पर सेफ है लव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर जिनको देखना चाहिए, एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे को बैठ कर सब्र व तहम्मुल से बात करें, फ्लर्ट, कोई यहाँ पर बहुत फन फ्लर्ट की एनर्जी में रहता है, कोई यहाँ पर बहुत जैसे जितना सीरियस आप ले रहे हैं इस रिश्ते को आपके पर्सन इतना नहीं ले रहे, मतलब कि एक फ़न फ्लर्ट वाली एनर्जी है, बहुत एक फ्लर्टिंग वे में रहना, फ़न करते रहना हमेशा, न्यू लव यहाँ पर, मतलब कि अगर जो अगर किसी का कोई पास्ट कुछ हो चुका है, अगर पास्ट सिचुएशन बन चुकी है तो उसको रिलीज़ करना लाजमी है, अगर आप दोनों के बीच कुछ पास्ट हो चुका है तो उसको रिलीज़ करना लाजमी है, इधर एक न्यू तरीके से अटैच हो, इधर एक न्यू तरीके से कनेक्ट हो, यहाँ पर आप लोग के लिए एडवाइस है। थोड़ा सा ईजी एक मतलब कि थोड़ा सा एक अगर ये पर्सन फन फ्लर्ट कर रहा है तो एक आप इससे एक सीरियस तौर पर भी बात कर सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर, और अगर यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के हेल्प फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं इस पर्सन की बात जानने के लिए, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर है क्या। देखिए यहाँ पे एक न्यू लव, मतलब कि न्यू तरीके से यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो, अगर ये पर्सन चाहे तो, अगर कुछ कम्प्लीटली अगर यहाँ पर बहुत ऑप्शन है तो रिलीज़ कर दें उन ऑप्शन को, ठीक है, एक्स सिचुएशन से तो रिलीज़ कर दें, इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच कुछ हुआ है तो रिलीज़ कर दें,
कुछ नेगेटिविटी है तो रिलीज़ कर दें, कुछ यहाँ पर है और रिलीज़ कर सकते हैं तो रिलीज़ कर दें, ये कनेक्शन दोबारा एक न्यू तरीके से स्टार्ट हो सकता है अगर उतना ही एफर्ट सामने वाले की तरफ से मिले तो। ठीक है, क्योंकि सामने वाला कोई ना कोई यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़ है, ठीक है, कोई जगल कर रहा है, कोई स्लीपलेस नाइट में, कोई कम्प्लीटली अपना जैसे अपना एक अपना 100% नहीं दे पा रहा, 1% यहाँ पे 200% दे रहा है, लेकिन 1% यहाँ पर वो 100% नहीं पूरा नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रेस है ना आप लोगों का वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर सामने वाले पर्सन से अगर आप बात करें या आपके फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले लें। ठीक है, यहाँ पे एक लॉयल एक डिसेप्टिविटी या नेगेटिविटी या कोई चीट करता हुआ तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक इंसान को इस रिश्ते के लिए एक सीरियस डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में वो करने की ज़रूरत है जो ज़रूरत इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।